अलवर में इन दिनों प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही बनी हुई है। इसके मद्देनजर प्रशासन की ओर से बिहार के श्रमिकों के लिए दो दिन के लिए ट्रेन चलाई है। गुरुवार को बानसूर इलाके से भी प्रवासी मजदूरों की बसों को विधायक शकुंतला रावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बानसूर में बंगाल और बिहार के करीब 300 प्रवासी मजदूर रुके हुए थे। इसके अलावा विधायक रावत ने पंचायत समिति सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों, ग्राम विकास अधिकारियों और पटवारियों की बैठक ली। इसमें क्षेत्र में पानी की समस्याओं की जानकारी को लेकर इनका निदान करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर SDM राकेश मीणा, तहसीलदार जगदीश बैरवा, विकास अधिकारी सहित कई लोग अधिकारी मौजूद रहे। बिल्कुल, राजस्थान सरकार की तरफ से कहीं पर भी कोई किसी तरीके की कमी नहीं है। ये तो मजदूर वर्ग क्या इंसान खुद को ही सबर नहीं होता, कई बार वो खुद ही पैदल चल पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे प्रशासनिक किसी भी अधिकारी को सूचना मिलती है या थाने में सूचना मिलती है कि फला जगह पैदल लोग जा रहे हैं, तो हमारे कर्मचारी यहाँ के जाकर के उनको रोकते हैं और उनकी रहने की और खाने की पूरी व्यवस्था करवाते हैं। पूरे राजस्थान में राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय के ये निर्देश दिए हुए हैं और बानसूर में बहुत सारे हजारों लोग शायद रहते हैं, बिहार के, बंगाल के और हरियाणा सभी जगह के रह रहे हैं यहाँ।